दीदी आपने पूरे परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया? बिल्कुल। और कार इंश्योरेंस? कार इंश्योरेंस के बिना हम गाड़ी चलाते ही नहीं। और किचन इंश्योरेंस? गैस सेफ बिना तुम्हारा किचन सेफ नहीं है। गैस सेफ इजी टू फिट है, इसका मीटर गैस को भापे और लीकेज होने पर तुरंत रोके। दीदी आज मैं जीजू को बटा ही लेती हूँ। क्या? गैस सेफ लगवाने के लिए। यू नाउ बी सेफ विद गैस सेफ। दीदी आपने पूरे परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया? बिल्कुल। और किचन इंश्योरेंस? गैस सेफ बिना तुम्हारा किचन सेफ नहीं है। गैस सेफ इजी टू फिट है, इसका मीटर गैस को भापे और लीकेज होने पर तुरंत रोके। नाउ बी सेफ विद गैस सेफ। गैस सेफ इजी टू फिट है, इसका मीटर गैस को भापे और लीकेज होने पर तुरंत रोके। नाउ बी सेफ विद गैस सेफ। अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि गैस एक्सप्लोजन में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। जरा सी लापरवाही के कारण शहर में गैस सिलेंडर का फटना अब एक आम बात हो गई है। आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता निमिषा शंकर से, जो मौके वारदात पे मौजूद है। निमिषा हमारे दर्शकों को बताइए ताजा स्थिति क्या है वहाँ पे। मैं यहाँ नवजीवन सोसाइटी के सामने खड़ी हूँ। इस पूरे एरिया को पुलिस ने सील कर दिया है। यहाँ पे अभी अभी पता चला है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है और काफी अभी घायल हैं। हम यहाँ दुर्घटना स्थल पर जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। चलिए हम आपकी बात कराते हैं फायर ब्रिगेड चीफ से, जो यहाँ मौजूद हैं, जिनसे हम बाकी की जानकारी लेते हैं। सर हमें बताएंगे कि यहाँ ये आग किस वजह से लगी है। सिलेंडर के फटने के कारण आग लगी हुई है। तो यहाँ पे कितने लोगों की मौत हुई है? काफी घायल भी यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि काफी लोग घायल भी हुए इस पूरी दुर्घटना में। 4 जन की मौत हुई है और बाकी हम लोग काबू कर रहे हैं। अभी कितना वक्त लगा है इस पूरे आग पर काबू पाने के लिए? ये बारे में यही करीबन 3-4 घंटे से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पूरे 3-4 घंटे लगे हैं? हाँ। तो जैसा कि हमने आपको बताया 3-4 घंटे लगे हैं। ये आग इतनी जबरदस्त लगी हुई थी कि 3-4 घंटे लगे हैं फायर ब्रिगेड को इस पर काबू पाने के लिए। अभी बस अभी तक की इतनी ही जानकारी है, आगे की अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ मैं निमिषा शंकर फॉर आई इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर की शिकायत है कि गैस लीक के बारे में उन्हें पता ही नहीं चलता, और इसी बात को लेकर हम ये बताना चाहते हैं कि मार्केट में एक खास प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है गैस सेफ। और आज हमारे साथ ऑनलाइन है मिस्टर मिलिंद कुलकर्णी, जो है गैस सेफ के CEO। नमस्कार। LPG इज ऑफ ग्रेट कन्वीनियंस टू यूज। इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड वी कैनॉट लिव विदाउट LPG। However, LPG can cause disastrous accidents involving women and children. To protect every home, we have brought Gas Safe. Gas Safe prevents accidents in case of major leaks. Gas Safe has a minor leak test facility and it also shows low level of gas. So Gas Safe provides complete safety. It also saves your gas and it is very convenient to use. We feel that Gas Safe is a requirement of every Indian home. We are always with you. Use Gas Safe and be safe. बेटा पापा के पास जाके बैठो। मैं कम इन। मैं गैस सेफ कंपनी से आया हूँ। मेरा मिस्टर मेहरा के साथ आज अपॉइंटमेंट है। अरे हाँ भाई, लेकिन आज मेरे पास वक्त नहीं है। आप ठीक कहते हैं, आपके पास सचमुच वक्त नहीं है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप अपने आप को समझते क्या हो? मैं समझता हूँ कि मैं आपके पूरे परिवार की जान बचा सकता हूँ। आजकल ये मार्केटिंग वाले अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई भी गिमिक करते हैं।
एक मिनट सर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सर, इस हेडलाइन को देखिए, आपके बगल वाली बिल्डिंग नवजीवन सोसाइटी में यह हादसा हुआ था, देखिए। हाँ हाँ, पता है, कोई गैस लीक हुआ था। आप मिस्टर देश पांडे को जानते थे? नहीं तो? बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड आदमी थे, जानते हैं? उनका एक छोटा सा बच्चा था, 10th का एग्जाम देने वाला था। उसके लिए अभी से उन्होंने सोचा था कि उसे इंजीनियर बनाएंगे और अपनी पत्नी को अगले महीने ब्यूटी पार्लर खुलवाने वाले थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए थे, एक बिजनेस प्लान में इन्वेस्टमेंट किया था, हॉलीडे पैकेज खरीदा था और इमरजेंसी के लिए एक मेडिकल पॉलिसी भी। पर आप जानते हैं, एक छोटी सी गलती, गैस लीक की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। अरे हाँ भाई, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मिस्टर मेहरा, मैं जानता हूं कि आपके सपने भी चकनाचूर हो सकते हैं। How dare you? Daddy. Get out of my house. जरूर चला जाऊंगा, लेकिन हम गैस सेफ कंपनी वालों ने कसम खाई है कि हम हर किचन को सेफ बनाकर रहेंगे, और इसके लिए चाहे हमें कितना भी अपमान क्यों ना सहना पड़े, कोई बात नहीं। लेकिन अजी, आप ऐसे लोगों के मुंह क्यों लग रहे हैं? देखिए भाई साहब, हमें आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा हूं। शुक्र है आपकी बिल्डिंग में आज तक कोई हादसा नहीं हुआ, कोई इमरजेंसी नहीं हुई। और मिस्टर मेहरा, आपके इस बेधड़क व्यवहार को मैं सलाम करता हूं, हैट्स ऑफ टू यू भाई। क्या बात है मिस्टर मेहरा, एक बात जरूर कहूंगा कि आपको आपके परिवार की बिल्कुल चिंता नहीं है। ओके, साफ साफ कहो जो तुम्हें कहना है। यही तो मैं तब से कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, गैस सेफ से आपका पूरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। आपको मालूम है आपकी किचन में एक एक्सप्लोसिव है। हमारी किचन में? जी हाँ। वो कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैडम, ये सिलेंडर नहीं, एक्सप्लोसिव है जो कभी भी फट सकता है अगर इसमें से गैस लीक हो जाए तो। मैम, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं बेटा, आपकी मम्मी रोज इस किचन में इस एक्सप्लोसिव के साथ रहती है। उनको सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, नहीं? और इसीलिए हमने उनके लिए इंट्रोड्यूस किया है गैस सेफ, भारत के हर परिवार के लिए। I'm sorry, मैं समझ गया, लेकिन ये चलता कैसे है? सिंपल है, गैस सेफ एक आधुनिक गैजेट है जो गैस लीक को तुरंत भांप लेता है, और इसका मीटर आपको ये बताता है कि सिलेंडर में कितना गैस बचा है, और किसी भी तरह के गैस लीक को रोकने में गैस सेफ पूरी तरह सक्षम है। ओके, मैंने मान लिया कि गैस सेफ आज के किचन की जरूरत है, बस। ठीक है। अरे बेटा देखो, अपनी मम्मी का ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब, चाय तो पीकर जाइए। धन्यवाद। सॉरी बहन जी, मैं ऐसी किसी भी किचन की चाय नहीं पीता जिसमें गैस सेफ ना लगा। अपनी बहन को मैं रिस्क उठाने के लिए कैसे कहूं? मुझे माफ करना, मैंने अपने परिवार का ख्याल ही नहीं किया। मैं आज ही गैस सेफ लगवा लूंगा। राइट सर, वेरी गुड डिसीजन। वैसे ये बहुत सस्ता भी है, और अगर सस्ता ना भी होता तो भी आप खरीदते। तो आपका परिवार तो आपके लिए अमूल्य है ना? राइट, यस, एब्सोल्युटली राइट। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हर रोज लाखों गृहिणियां ये रिस्क उठाती हैं। उन्हें तो पता ही नहीं है कि आजकल के किचन की ये जरूरत है। बिल्कुल सही। और अब तक इसके बगैर कैसे गुजारा करते थे लोग, ताज्जुब है। भूतकाल की बातें भूतकाल में रखिए, सिर्फ वर्तमान ठीक कीजिए और भविष्य में सुरक्षित रहिए गैस सेफ से। चाय ला रही है ना? गैस के मामले में हमें काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, खास तौर पे गैस लीकेज हो तब। गैस का लीकेज होना काफी खतरनाक है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मुझे मिला है गैस सेफ जो गैस लीकेज होते ही उसके बहाव को अपने आप बंद कर देता है। आप भी खरीदिए गैस सेफ। थैंक्स टू गैस सेफ, अब मैं टाइम टू टाइम अपना गैस सिलेंडर बदल सकती हूँ।
और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल भी कर सकती हूँ, क्योंकि क्योंकि इसका इंडिकेटर ही मुझे बताता है कि गैस कब खत्म हुई। सो थैंक्स टू गैस आई। ओ, जब से ये गैस से मैंने अपने कितने लगाया है ना, मेरा काम में बराबर ध्यान रहता है। मेरे बच्चे जो शरारती है, मेरी बीवी किचन में काम करती है, टेंशन तो होती है ना यार, लेकिन अब नहीं। अब मैंने गैस सेव अपने घर में लगवा लिया है। मैं तो कहता हूँ आप भी गैस सेव लगाइए। मने चूहों की वजह से एक ही टेंशन थी, आज चूहे गैस ट्यूब खाई जैसे। अभी कोई टेंशन न थी, गैस सेव ऑटोमेटिकली गैस लीकेज बंद कर देती है। हम कसम खाते हैं कि हर परिवार को सुरक्षित रखेंगे और हर किचन में गैस सेव लगाएंगे। जापान, अमेरिका, फ्रांस जैसे एडवांस कंट्रीज में गैस एक्सप्लोशंस की संख्या कम है, क्योंकि उन्हें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड प्रिकॉशंस का ज्यादा एहसास है। इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स ये बताते हैं कि किचन सबसे ज्यादा हाई रिस्क जोन है, जहाँ सबसे ज्यादा हादसे होने की संभावना है, और गैस सेफ इसी रिस्क को जीरो करता है। आप भी मेरी तरह हो, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी हर प्रोडक्ट की तरफ शक की निगाहों से देखता था। लेकिन गैस सेफ सचमुच आज के किचन की और लाइफस्टाइल की जरूरत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर मोरे, जो है नवजीवन सोसाइटी के सेक्रेटरी। वो हमें बताएंगे कि इतने करुण हादसे के बाद उनके सोसाइटी मेंबर्स इस ट्रेजेडी से कैसे जूझ रहे हैं। तो बताइए मिस्टर मोरे, क्या हुआ था एग्जैक्टली? हमारे सोसाइटी के एक फ्लैट में गैस लीक होने के कारण ब्लास्ट हो गई और बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अच्छा, तो अब क्या डिसाइड किया सोसाइटी वालों ने? अभी हमने सोसाइटी में हर फ्लैट में गैस सेफ कंपलसरी किया है, ताकि इसके आगे गैस लीक होने के कारण कोई दुर्घटना ना हो जाए। अच्छा, तो आपने गैस सेफ हर घर में कंपलसरी किया है। अच्छा, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कुछ? जरूर, मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप अपने फ्लैट के किचन में कंपलसरी गैस सेफ लगाइए, ताकि जो दुर्घटना हमारे सोसाइटी में हुई वो आपके सोसाइटी में ना हो जाए। इंसान की जिंदगी कीमती है, गैस सेफ का ये प्रयास रहेगा इस कीमती जिंदगी को बचाए रखे। यूज गैस सेफ एंड बी सेफ। नमस्ते।